वालेकुम जी, मेरा नाम है हसन आरिफ खान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मॉर्निंग अपडेट्स के साथ एक साथ मैं मौजूद हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर। और आज हम बात करेंगे, पिछले एक हफ़्ते से जो है वो काफ़ी स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब थी और सेक्टर्स भी जो है वो ग्रो नहीं कर रहे थे। और पहली तारीख से जो है वो पेट्रोल के भी बढ़ने के चांसेस थे, ऑयल इंडस्ट्री भी जो है वो थोड़ी सी ग्रो करने के चांसेस थे। हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ हम सवाल जवाब करेंगे। ट्रेड सिस्टम जो है चाइना का 46 करोड़ रुपये का जो है ट्रेड सिस्टम, वो काफ़ी प्रॉब्लम्स कर रहा था। हैंगिंग के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, जिससे जो है स्टॉक मार्केट को जो है वो जो है इन्वेस्टर्स को जो है वो नुकसान भी उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से काफ़ी उसके बारे में पूछेंगे कि पुराने ट्रेड सिस्टम पे वापसी आ गए हैं या वही जो है ट्रेड सिस्टम अभी तक जो है हैंगिंग के मसलों में ही जो है उस पर गुजारा हो रहा है। और मज़ीद उनसे कुछ वॉल्यूम के बारे में भी जानेंगे, इंडेक्स के बारे में भी जानेंगे कि मार्केट जो है किस तरह ग्रो कर रही है और कहाँ किस स्टैंड पर जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब, जो कि एक ट्रेडर की हैसियत से जो है पिछले कई सालों से स्टॉक मार्केट के अंदर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पिछले एक हफ़्ते से जो है मार्केट जो है काफ़ी डिस्टर्ब थी, तो उसके बारे में बताएँ कि आज जो है मार्केट ने पहली तारीख भी महीने की और स्टार्ट लिया है, मार्केट ने कैसा स्टार्ट लिया है? देखो, पिछले हफ्ते में रोल ओवर का मंथ जो था, मंथ का एंड था, रोल ओवर था। उन्होंने इस दौरान उन्होंने नया सिस्टम लिया, जिसने नया सिस्टम ने सही टाइम पे काम नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम। फ्यूचर और रेडी दोनों को सेटअप करना था, सेटल करना था, दोनों को सेटल हो नहीं रहा था और कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई। लोगों ने काम करना रोक दिया था, कोई टर्न ओवर नहीं करा था, जो प्रॉफिट टेकिंग करके साइड पे हो गए थे। हालांकि नया सिस्टम वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा है, मगर उनको साइड पे ऐसे से डेमो में करना चाहिए, वर्किंग डे में नहीं, वर्किंग डे के बाद 1-2 घंटे का टाइम देना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सके। क्योंकि मंथ के एंड में उन्होंने लिए है, रोल ओवर के टाइम पर उन्होंने लिए है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया क्लाइंटों के लिए भी, हमारे शेयर होल्डर जो काम करते हैं उनके लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी और मेम्बरों के लिए, जिसकी कोई सेटलमेंट हो नहीं रही थी। और रात को इतना लेट भी बैठ के काम कर रहे थे, इसके बावजूद भी कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि कितना परचेस हुआ, कितना सेल हुआ, जिसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया। आपने देखा अभी रात के जिस दिन फ्राइडे को रोल ओवर का लास्ट डे था, रात के तक 9-10 बजे थे, इसके बावजूद भी कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर आज मंडे का फर्स्ट डे था और नवंबर का फर्स्ट डे स्टार्ट किया उन्होंने, और मार्केट इतनी अच्छी पॉजिटिव भी खोली है और इत्तेफाक के हमारा जो सियासी हालात है अभी कुछ बेहतर हद तक, TLP से जो है मुजाकरात भी काम हो गए हैं, उन्होंने जो है काफ़ी हंगामा करने के बाद अब एंड में जो आपको पता है कि वो मुजाकरात की तरफ ही आते हैं, पहले नुकसान पहुंचाते हैं पाकिस्तान को, फिर मुजाकरात की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से लोग भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे, डर रहते पता नहीं क्या हालात हो क्या ना हो। अल्लाह का करम है कि मुजाकरात कामयाब हो गया, वो भी अपनी जगह छोड़ के चले गए और जिसकी वजह से लोगों में सेटिस्फाई हो गया, उन्होंने मार्केट में बाइंग शुरू की। क्योंकि आज फर्स्ट डे वर्किंग डे तो थोड़ी सी बाइंग स्टार्ट की। वॉल्यूम इंडेक्स बेहतर है कुछ? वॉल्यूम तकरीबन 7 करोड़ का काम हुआ है। अच्छा। और इंडेक्स भी तकरीबन 650 के करीब प्लस हुआ है। अच्छा। और यहाँ थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होगी, मैं इंशाल्लाह ये मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट डे आज है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मंथ में नया आप इंडेक्स देखोगे इंशाल्लाह। अच्छा, सेक्टर्स कैसे जा रहे हैं, सेक्टर्स कौन सा अप है? सेक्टर में सीमेंट सेक्टर ज़्यादा बेहतर लग रहा है, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर, तकरीबन IT के अलावा बाकी सारा सेक्टर है। लोग पिछले एक डेढ़ हफ्ते से जो है वो इन्वेस्टमेंट पे का सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे क्योंकि डिस्टर्बेंस इतनी थी, तो अब वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, कौन सा सेक्टर बेस्ट है? पिछले वीक में हमने देखा हमारे वजीर आजम जो मुल्क से बाहर गए थे, सऊदी वगैरह, वहाँ से इतना अच्छा फंड लाया, जो भी लाया तो सूदी कर्जा लेके आए जो, जी जी, तो उम्मीद थी कि यहाँ से 1.5 से 2 हज़ार इंडेक्स प्लस होना था, मगर इस सिस्टम की वजह से लोग तेज़ी कर ना सके और वो तेज़ी ये नवंबर में आपको नजर हैंगिंग के जो मसले थे पुराने ट्रेड सिस्टम पे वापसी आ गए। फिलहाल पुराने अब ये नए का क्या वर्किंग होगी, जो 46 करोड़ रुपए बजट गया वो जाया होगा या क्या? नहीं, जाया तो नहीं होगा, उसको लाएंगे वो। अच्छा, तो ऐसे ऐसे जैसे मार्केट भी साथ चलती रहेगी, दोनों में लाएंगे वर्किंग, इसलिए सैटरडे संडे, सैटरडे को शायद हो सकता है कि उसमें भी काम करिए, मार्केट बंद होने के बाद भी इसको चलाए ताकि लोगों में जो प्रॉब्लम हो वो उसको तक सोल्व कर सके। अब बैंक क्लोजिंग भी दिसंबर आ रहा है तो सर पे है बैंक क्लोजिंग भी, तो बैंकिंग सेक्टर कैसा है? बैंकिंग सेक्टर मेरे को लगता है कि ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि शायद ये इस महीने के अंदर नेशनल इसकी पॉलिसी, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, तो हो सकता है शायद मॉनेटरी पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से बैंक की परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और बैंकों में भी बैंक की वजह से इंडेक्स भी आपको नया मिलेगा। पहली तारीख थी, ऑयल के चांसेस थे बढ़ने के पेट्रोल के, मगर तो वो अभी तक बढ़ाया नहीं है, तो उस पर क्या? मेरे को लगता है कि सियासी हालात जो ऐसे थे, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने थोड़ा उसको बढ़ने नहीं दिया। ऑयल इंडस्ट्री थोड़ी है ग्रो पे या वहीं पे अभी तक स्टैंड कर रही है? तो वहीं पे रिफाइनरी वगैरह भी वहीं पे, और इतनी नहीं बनी कोयल की
प्राइस डाउन, कोल की प्राइस जो है वो डाउन हुई, जिसकी वजह से आपने देखा सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा काम किया। सीमेंट सेक्टर में मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सही है, लोग बेहतर काफ़ी नीचे है, बेहतर है सीमेंट सेक्टर में ज़्यादा है। सीमेंट सेक्टर के अलावा टेक्सटाइल वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह भी, ऑटो सेक्टर भी, इनमें चांस है। ऑटो सेक्टर में एनर्जी क्राइसिस जो आए हुए थे वो उससे कोई कंट्रोल हुआ है? महंगाई हुई भी थी काफ़ी? नहीं, काफ़ी हद तक महंगा पिछले आपने देखा उसमें आ भी रहा था कि महंगा काफ़ी हद तक कम हुई है इसकी, तो इंशाल्लाह कंट्रोल के अंदर है तो बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो ये जी हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रऊफ साहब, जो कि एक ट्रेडर की हैसियत से जो है वो स्टॉक मार्केट में पिछले कई सालों से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने हमें बताया कि आज जो है नया स्टार्ट मार्केट ने लिया है और काफ़ी बेहतरी की तरफ है और सेक्टर्स भी ग्रो कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो है सीमेंट सेक्टर सबसे बेस्ट है और सीमेंट सेक्टर काफ़ी ऊपर है, बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी बूस्ट किया है, हर चीज़ जो है वो अच्छी हो गई है, पुराने ट्रेड सिस्टम पर वापसी आ गए वक्ती तौर पर, लेकिन नए ट्रेड सिस्टम जो चाइना से 46 करोड़ रुपए का ख़रीदा गया था उसकी जो है टेस्टिंग सही तरह होगी, उसको बेहतर लाने का तरीका करेंगे और कुछ दिनों या 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है उस सिस्टम को ज़रूर इधर लॉन्च करेंगे, दोबारा से उसकी टेस्टिंग करेंगे। और उनसे हमने मज़ीद सवालात भी किए कि ऑयल की प्राइस जो बढ़ने वाली थी वो नहीं बढ़ पाई, उन्होंने कहा कि अभी जो है बजट की वजह से, बजट जो मिला है, सूदी कर्ज़ा जो हमने लिया उससे जो है स्टॉक मार्केट पर अच्छा इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से पेट्रोल बढ़ाया नहीं गया। तो जी अब मुझे इजाज़त दें, मैं इंशाल्लाह ताला आपसे इवनिंग अपडेट्स में मुलाकात होगी, देखते रहिएगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।